जी, मैं इस वक्त दरियाए रावी हेड बल्लो की पर मौजूद हूँ। इंडिया की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी जो कि हेड बल्लो की पहुँच गया और कुछ पहुँच रहा है, इस बारे में क्या इंतजाम महकमा ने किए हैं, हम जानते हैं जनाब अदनान साहब से जो SDO हेड वर्कर्स हैं। जी अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया ने दरिया रावी में पानी छोड़ा था, तो इंडिया की तरफ से 71,000 पानी जो है पाकिस्तान में एंटर हुआ था, जो 62,000 हमारे पास पहुँचा है और 37,000 हमारा डाउन स्ट्रीम पानी चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बैराज की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 3,80,000 क्यूसेक है, तो अल्लाह की ज़ात का पे हमें कामिल यकीन है कि अभी तक हमारा लो फ्लड भी नहीं हुआ और पानी मामूल के मुताबिक चल रहा है। अगर कोई लो फ्लड जैसी सिचुएशन या मीडियम या हाई फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा अमला राउंड द क्लॉक एम्बैकमेंट्स को देख रहा है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने SDO साहब से सुना कि बिल्कुल कोई हमारे ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, पानी जो है बिल्कुल अपने रूटीन के मुताबिक चल रहा है, कोई ख़तरे वाली या कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। जी राना इंतज़ार।